हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं अल्कोहल फिनाइल ईथर के एक्सरसाइज प्रॉब्लम की। तुम्हारा जो क्वेश्चन बोल रहा है, राइट स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड हुज आईपीएससी नेम आर एज फॉलो। तो पहला हमारा जो क्वेश्चन बोल रहा है कि 2-methyl-butane-2-ol, क्वेश्चन है 2-methyl-butane-2-ol। देखो, जो फर्स्ट क्वेश्चन है 2-methyl-butane-2-ol। अब इस क्वेश्चन को हैंडल कैसे करेंगे हम, तो देखो सबसे पहले ब्यूटेन, ब्यूटेन तुम्हारा क्या है, रूट वर्ड, यानी कितने कार्बन होंगे, चार कार्बन। पहले चार कार्बन बना लो। अब देखो इसमें सेकेंड पोजीशन पे क्या लगा है, ऑल। ऑल क्या होगा तुम्हारा, ओएच ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, ओएच। तो यहां पर क्या लगा लो, ओएच लगा लो। टू मिथाइल है और इसी पर एक मिथाइल ग्रुप यानी कार्बन लगा होगा। हाइड्रोजन अगर दिखाना चाहोगे तो यहाँ पर तीन, यहाँ पर भी तीन, यहाँ पे दो, यहाँ पर हो जाएगा तीन। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो तुमको क्वेश्चन स्क्रीन पर बाद में एडिटिंग के समय आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे सेकंड, 1-phenyl-propane-2-ol, 1-phenyl-propane-2-ol, 1-phenyl प्रोपेन टू ऑल। अब देखो सबसे पहले तुमको क्या करना है, इस वाले पोर्शन पे अटैक करो, रूट वर्ड पे। बताओ रूट वर्ड में कितने कार्बन, तीन, तो तीन तो कार्बन बना लो। अब देखो सेकंड पे क्या लगा है, ग्रुप लगा है ओएल यानी ओएच लगा होगा। वन पे फेनिल, फेनिल कौन सा ग्रुप होता है, जब बेंजीन रिंग से एक कार्बन एक हाइड्रोजन निकाल लो तो बनने वाला जो ग्रुप होता है वही क्या होता है, फेनिल होता है। तो किसी एक वाले ग्रुप पे तुम इसको, तुमको क्या लगा देना है, इस ग्रुप को लगा देना है। ठीक है, अब हाइड्रोजन अगर लगाना हो यहाँ पे तीन लगा दो, यहाँ पर एक, यहाँ पर देखो दो बॉन्ड बनाया है, दो हाइड्रोजन और चाहिए, यही तुम्हारा हो गया। अब अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसको कॉपी कर ले। देखो जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है इसमें बोल रहा है 3.5 डाइमिथाइल हेक्सेन 1.3.5 ट्रायल। देखो क्या बोल रहा है, 3.5 डाइमिथाइल हेक्सेन 1.3.5 ट्रायल। ठीक है, यानी टोटल कितने कार्बन, छह कार्बन। तो पहले तुम छह कार्बन बना लो, 1, 2, 3, 4, 5। अब देखो तीसरा और पांचवा पे मिथाइल ग्रुप है, दो कार्बन लगे होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, यानी एक तीसरा पे और एक पांचवा पे। पहला पे एक ओएच ग्रुप लगा होगा, यानी इस पे तुम एक ओएच ग्रुप लटका दो। तीसरा पे एक ओएच ग्रुप लटकाना है तुमको, और एक पांचवा पे एक ओएच ग्रुप लटकाना है। ठीक है, बाकी हाइड्रोजन तो लगा ही सकते हो। तो ये था हमारा तीसरे का। अब हम बात करेंगे पांचवा, तो जो हमारा पांचवा है 2.3-diethylphenol। जो चौथा क्वेश्चन है 2.3-diethylphenol, 2.3-diethylphenol। ठीक है, तो पहले तो भाई फिनॉल अब बना ले। देखो फिनॉल तुम्हारा ऐसे होगा, बेंजीन रिंग के खोपड़ी पे क्या लगाना होगा तुमको, ओएच लगाना होगा, लग गया ओएच। अब इसमें क्या होता है, जहां पे ये डॉन बैठे होते हैं, पप्पा जी बैठे होते हैं, उसी कार्बन को एक बोला जाता है, बाजू वाले कार्बन को दो और इसको बोलोगे तीन। और इस पे क्या लगा है, इथाइल लगा है, यानी C2H5 यहां पर और C2H5 यहाँ पर, यही तुम्हारा क्या है, इथाइल ग्रुप है। इतना क्लियर हुआ, कॉपी करें। अब क्वेश्चन नंबर फाइव की बात करेंगे हम। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर फाइव, तो क्वेश्चन नंबर फाइव है 1-ethoxypropane, 1-ethoxypropane,
1-ethoxypropane। अब पहले तो तुम किस में किस पे अटैक करोगे, रूट वर्ड कितने कार्बन का, 3, 1 पर ही एथॉक्सी है, यानी किसी एक कार्बन पे तुमको ओ लगाना है। एथॉक्सी यानी ये कौन सा है, ईथर है, और इसे कितने कार्बन लगाने हैं, 2। ठीक है, हाइड्रोजन दिखाना चाहते हो तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, इस पर 2। ठीक है, देखो इसका नाम कैसे लिखा जाता है ये समझ लो, इसको 1 बोलोगे, ये 2 और ये 3। तो 1 पर देखो एक ग्रुप लगा है, जिसको क्या बोलते हैं, एल्कॉक्सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, एल्कॉक्सी। देखो तो 1-ethoxypropane। चलो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, तो जो हमारा छठा है वो है 2-ethoxy-3-methylpentane। देखो 2-ethoxy-3-methylpentane, 2-ethoxy-3-methylpentane। ठीक है, ठीक, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको किस पे फोकस करना है, रूट वर्ड। ठीक है, तो रूट वर्ड में कितने कार्बन, 5 कार्बन। तो 5 कार्बन है तो पहले 5 कार्बन तो बनाना ही पड़ेगा, कितना हो गया, 6, 5 ही रखो। और इसमें आप काउंटिंग कर लो, 1, 2, 3, 4, 5। दूसरा पे देखो क्या लगा है, एथॉक्सी, यानी सेम यही काम लगाना है दूसरे वाले पे। तो यहाँ पे ओ, अब हम ऐसे लिख देते हैं, C2H। 3 पर मिथाइल लगाना है तो यानी इस वाले कार्बन पे तुमको क्या लटका देना है, CH3। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 3। क्लियर हुआ, इतना समझ में आया, कॉपी करें इसको। बहुत बढ़िया, ग्रेट। 6 क्वेश्चन तो हम लोग कर लिए, अब हमको इसमें करना है 7वां, साइक्लोहेक्साइल मेथेनॉल। मिटा दें, देखो अगला क्या है, साइक्लोहेक्साइल मेथेनॉल। साइक्लोहेक्साइल मेथेनॉल, अब तो भाई कार्बन कितने होंगे, एक ही कार्बन होगा, और इसी कार्बन से एक क्या लगा है तुम्हारा, अरे भाई साइक्लोहेक्साइल 6 मेंबर रिंग बना है, तो इसी से एक 6 मेंबर रिंग बना लो। ठीक है, और ये हेक्सेन वाला होगा, क्यों, क्योंकि हेक्साइल है। ठीक है, और इसके बाद इसी से मेथेनॉल है, तो एक OH ग्रुप भी लगा होगा, और तुम हाइड्रोजन अगर कंप्लीट करना चाहते हो तो 2 हाइड्रोजन लगा लो, क्योंकि 4 बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, इसका नाम ऐसे क्यों लिखा गया, क्योंकि जो अब मेन कार्बन चेन ऊपर वाला होगा, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप कहाँ लगा है, ऊपर, तो इसका जब भी नाम लिखोगे इसको 1 बोलोगे, और 1 पे क्या लगा है, एक प्रीफिक्स लगा है जिसका नाम है साइक्लोहेक्साइल। ठीक है, चलो अब इसके 8वां पार्ट की बात करते हैं, जो हमारा 8वां है, 3-साइक्लोहेक्साइल-पेंटेन-3-ऑल। 3-साइक्लोहेक्साइल-पेंटेन-3-ऑल क्या है, 3-साइक्लोहेक्साइल-पेंटेन-3-ऑल। अब बताओ पेंटेन में कितने कार्बन होंगे, 5 होंगे, तो 5 कार्बन बनाओ, 5 बन गया। तीसरा पे साइक्लोहेक्साइल है, यानी 1, 2, 3, इस वाले पर ही तुम्हारा क्या होगा, एक साइक्लोहेक्सेन वाला एक वो लगा दो, रिंग लगा दो। हेक्साइल क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहां पर एक हाइड्रोजन तुमने क्या किया, निकाला है, जब एक हाइड्रोजन निकालोगे ना तो फिर वो साइक्लोहेक्सेन से क्या हो जाता है, हेक्साइल हो जाता है, यानी प्रीफिक्स के रूप में काम करता है। अब यहां से तीसरा पे ऑल लगा, यानी इसी वाले पर भी क्या लग जाएगा, एक OH। ठीक है, कॉपी करें, अब हम 9वां की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर इसकी जो 9th है, तो जो इसका क्वेश्चन नंबर 9 है वो है साइक्लोपेंट-3-इन-1-ऑल। क्वेश्चन नंबर जो 9 है, साइक्लोपेंट-3-इन-1-ऑल, साइक्लो पेंट 3-इन-1-ऑल।
अब रूट वर्ड देखो, साइक्लोपेंटेन यानी एक साइक्लिक हो गया हमारा, ठीक है। तो यहां पर पहले फाइव मेंबर रिंग बना लो। अब इसमें देखो किसी एक पोजीशन पे तुम OH लटका दो, इसको वन बोलो, फिर टू थ्री, तीसरा पे देखो क्या है, डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे लगा, यही तुम्हारा हो गया साइक्लोपेंट थ्री इन वन ऑल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, तो 10 बोल रहा है फोर क्लोरो थ्री इथाइल ब्यूटेन वन ऑल, फोर क्लोरो थ्री इथाइल ब्यूटेन थ्री ऑल, सॉरी ब्यूटेन वन ऑल, ठीक है। अब देखो हमारे पास टोटल कितने कार्बन, चार। वन पे क्या लगा है ऑल, यानी इसी वाले पे क्या लगा दो OH लगा दो। थ्री पर इथाइल है, वन टू थ्री, थ्री पर क्या है इथाइल, तो यहां पे लगाओ C2H5, और चौथा पे क्लोरीन लगा दो यहां पर, ठीक है। अब अगर हाइड्रोजन लगाना है तो यहां पर कितने हाइड्रोजन होंगे, दो यहां पर, एक यहां पर, दो यहां पर, दो, ए हो गया। तो ए हमारा था इसके सेकंड पार्ट का आंसर। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपने दोस्तों में इस चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब कराओ, ठीक है।